अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो कि इकरा अजीज़ के बारे में है, जो कि तकरीबन 2 महीने के बाद अपने घर वापसी पर कबाब बनाते हुए और अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आई। इसकी वीडियोज़ और तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाई और ये भी बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने घर को मिस कर रही थी और अपने बेटे के साथ भी, उसके साथ काफ़ी दिनों बाद उससे मिलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अपने बेटे की छोटी से छोटी तस्वीरें और वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपने मदाहों के साथ शेयर कर रही हैं। बात करें इकरा अजीज़ के चाहने वाले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन ने तकरीबन 2 साल पहले शादी की और इनका एक नाना शहजादा भी है जिसका नाम कबीर हुसैन है, जो कि 1 साल के हो चुके हैं। लेकिन रिसेंटली ये कनाडा गई हुई थी हम टीवी अवार्ड के लिए, उसके बाद वहीं से इन्होंने अपने हस्बैंड और अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप ज्वाइन की और अपने बेटे को अकेला घर छोड़ के पाकिस्तान जो है ये घूमती फिरती रही। वहीं पर इनको सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया गया, लेकिन इस सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन ने किसी चीज़ पर भी तवज्जो नहीं की और अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी तमाम तस्वीरें और वीडियो अपने ट्रिप से रिलेटेड लगाई। लेकिन 2 महीने बाद जब वो घर वापस आए तो उन्होंने अपने नन्हे शहजादे कबीर हुसैन की भी तस्वीरें और वीडियो अपने मदाहों के साथ शेयर की कि वो किस तरह अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और इकरा अजीज़ ने 2 महीने बाद भी घर में आकर अपने हस्बैंड की फरमाइश में उनके लिए कबाब बनाए, जिसकी वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लगाई, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा दें और इससे आने वाली आपको मेरी तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।